Hello viewers, welcome to Leo TV. Inpage ke lecture number 5 ke saath ML chukta hai. Viewers, last discuss kar rahe the hum pictures ki formatting ka, kis tarah hum pictures isme laga sakte hain. Viewers, pictures humne ye boxes wagera mein lagayi hain. Main arrow key select kar dunga. Arrow key se main inko move karta hu. मूव करने के बाद मैं इनको एक साइड पे कर दिया. अब मैं यहां पे आपको बता दूं, यह भी हमारे पेज नंबर शो हो रहे हैं 101 पेज, और इसका पेज कितने परसेंटेज पे शो हो रहा है. लाइक ये देखिए, यहां मैं पे इसको परसेंटेज 100 करता हूं तो ये पेज 100% पे चला गया. ठीक है, मैं पेज को वापस 50% पे करता हूं तो पेज 50% पे आ गया. व्यूअर्स, अब मैं इसमें क्या कहते हैं, पेज इंसर्ट करना चाहता हूं तो पेज इंसर्ट किस तरह होगा ये आप देख लीजिए. के पेज इंसर्ट करने के लिए हमें यहां से इंसर्ट के मेन्यू में जाना पड़ेगा. इंसर्ट के मेन्यू में क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा. यहां पे पेज क्लिक करें, ठीक है, उस पे ये देखें कितने पेज आप इंसर्ट करना चाहते हैं. अभी यहां देख लीजिएगा कि यहां 101 पेज है. मैं यहां पे एक पेज या दो पेज ऐड करता हूं, ये देखिए 1 2 2 पेज ऐड करूंगा. ओके करता हूं तो यहां पे 3 पेजेस हो गए. अब मैं दूसरे पेज पे खड़ा हूं. व्यूअर्स, अब मैं चाहता हूं मैं पहले पेज पे जाऊं. पहले पेज पे जाने के लिए मुझे यहां से प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है. और मैं ये देखिए, ये पेज 1 पे आ गया. यहां से प्रेस किया, पेज 2 पेज 3 क्लियर होगी बात. व्यूअर्स, मैं वापस पेज 1 पे आ गया, फिर मैं वापस पेज 2 पे चला जाता हूं. व्यूअर्स, पेज 2 पे मैं अब आपको इसमें कुछ मोर ऑप्शन बताऊंगा. सबसे पहले मैं यहां पे एक टेक्स्ट टाइप करता हूं. वो वापस आते हैं पेज 2 पे. पेज 2, अभी यहां पे टेक्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से पेज 2 पे नहीं जा रहा. ठीक है, मैं इसको वापस जाता हूं. एक बात जिसमें मैं आपको बतानी भूल गया वो ये है कि जितनी देर तक एक पेज पे टेक्स्ट कंप्लीट नहीं होगा, हम नेक्स्ट पेज पे वर्क नहीं कर सकेंगे. सलाम अलैकुम, मैंने अस्सलाम वालेकुम लिखा. मैं इसका साइज बड़ा करता हूं. साइज बड़ा इसलिए करता हूं, जरा मुझे भी अच्छा लगता है, सामने क्लियर नजर आता हुआ पता चलता है, पढ़ा जाता है, साइज बड़ा होता है तो. और इसमें ओहो मिस्टेक, ये अब मैं इसको 72, ठीक है. अब इसमें व्यूअर्स ये कहते हैं साइज को हम मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं फॉन्ट के साइज को. ये देखिए, ये है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं 200. ये देखिए, इसका साइज बड़ा हो गया फॉन्ट का. अब मैं इसको यहां से इसमें सिंगल लाइन से स्ट्राइक आउट, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है. जनरल लाइन वगैरह करना, नॉन रखना तो नॉन रख लीजिएगा. अच्छा व्यूअर्स, जो मैंने अभी आपको बात बतानी है उसमें कुछ अहम बातें आपने ज़हन में रखनी है. ये देखिए, मैं यहां पे इसका साइज चेंज करने लगा हूं. इसको मैं 24 पीटी पे ला रहा हूं. इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया. इसको मैं 24 पीटी पे कर रहा हूं. और ये देखिए, ये अब होगा 24 पीटी, यस, ठीक है. ये हो गया सिलेक्शन के बाद. अब मैं इसके आपको कुछ ये मेन्यूज बारे में बताऊंगा. मेन्यूज बहुत शॉर्ट से हैं. सबसे पहले मैं सबको सिंपल सा मेन्यू एक बता रहा हूं, सैंपल्स का, जिसमें हमारे पास प्लस का सैंपल है. ये देखिए, प्लस पे क्लिक किया, प्लस आ गया. माइनस पे करेंगे, माइनस आ जाएगा. डिवाइडेड का आ गया सैंपल, इक्वल टू का आ गया, परसेंटेज आ गई है, स्टार आ गई है. और इसी तरह ये देखिए, सबसे अच्छा सैंपल अल्लाह लिखना हो तो बहुत सिंपल सा है. ये देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं, अलिफ लिख देता हूं, और मैं सैंपल में जाकर सिंपली ये लिखता हूं तो ये अल्लाह लिखा गया. या कैसे लिखा गया ये देखिए, बड़ा सिंपल सा है. इसका फॉन्ट बड़ा करने लगा, ये देखिए 72 पे अल्लाह लिखा गया, ठीक है, बड़ा आसानी से लिखा गया. इसमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल्स होते हैं, बहुत छोटे-छोटे से. ये आप इसी इजीली कहीं भी, अगर आप मैथमेटिकली कोई बना रहे हैं टेबल्स वगैरह, तो उसमें ये सैंपल्स वगैरह या ये स्टार्स वगैरह की आपकी जरूरत पड़ती है इस तरह के सैंपल्स की, तो आप यूज कर सकते हैं. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये देखिए, मैंने इसमें एंटर प्रेस किया. अब यहां पे ये देखिए, एंटर भी प्रेस कर दिया. अल्लाह के मैं कंप्लीट किया था. मैं यहां लैंग्वेज पे क्लिक करूंगा, टोगले लैंग्वेज पे क्लिक करता हूं. अब देखिए मैं क्या होगा, अब होगा क्या, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया काम. मैं अभी उर्दू राइटिंग कर रहा था और मैं राइटिंग उर्दू राइटिंग से इंग्लिश पे आने लगा हूं. ये देखिए, अस्सलाम
alaikum मैंने इंग्लिश में टाइप कर दिया. ये है इंग्लिश का फॉन्ट, भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं. ठीक है व्यूअर्स, सिर्फ ओनली वापस अगर उर्दू पे जाना है तो इस पे फिर अगेन क्लिक कीजिएगा और आप देखें फिर उर्दू टाइप हो जाएगी. ये देखें अल्लाह, मैंने उस तरह भी लिख लिया, सैम्पल से भी ले लिया था. ठीक है, ऐसे देखें आपको पता चल गया. ठीक है, ये होगी लैंग्वेज और ये मैंने आपको सैम्पल्स के बारे में भी आज आपको क्लियर कर दिया है व्यूअर्स. इसके बाद मैं जो बात होगी नेक्स्ट हमारी, उसमें हम बात करेंगे इंसर्ट की, पेज इंसर्ट, डेट, पिक्चर्स वगैरह की और ऑब्जेक्ट की और फॉर्मेट्स वगैरह. ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस.